हेलो गाइस, यू वेलकम इन आवर चैनल द न्यू इमेजिनर्स। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट प्रो में स्टेयरकेस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट प्रो है। ओके, तो ये हमारे पास ड्राइंग है स्टेयरकेस की। तो हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास स्पेसिंग जो है, एक्स और जेड में हमारे पास स्टेयर का प्लान है। एक्स के डायरेक्शन में स्पेसिंग 1 मीटर 1 मीटर एंड गैप जो है हमारे पास 0.2। ओके, अगर बात करें जेड के डायरेक्शन में तो जो हमारे पास लैंडिंग है वो है हमारे पास 1.25 एंड जो आप हमारे पास स्टेयर्स का पोर्शन है वो हमारे पास 3 मीटर्स। ओके, तो हम यहाँ से स्टेट प्रो ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम फर्स्टली इसकी मॉडलिंग करेंगे। ओके, कोई भी नेम दे दो यहाँ पे, लाइक स्टेयरकेस। ओके, यूनिट्स हमारे मीटर में। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम स्केच करेंगे, इसका मॉडलिंग करेंगे, ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट। तो हमारे पास अगर लीनियर में इररेगुलर में बनेगा ये नेम एंड प्लेन हमारे पास एक्स रहेगा। एक्स के डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट्स हैं 1.21 स्पेस 0.2 स्पेस 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास जेड के डायरेक्शन में 1.25 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करते हो, अगर हम टॉप व्यू से चेक करें तो ये हमारे पास लैंडिंग का पोर्शन है। ओके, ऑफ करोगे ऑन करोगे ये हमारे पास स्टेयर्स का पोर्शन है। ओके, तो ये हमारे पास रेडी हो गया पोर्शन। ओके, यहाँ से क्लोज। तो ये वाला जो गाइस जो चेक कर रहे हो आप, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा एक्सेट प्लेन में है, बट ये जीरो लेवल पे है। बट हमने क्या करना है, जो लैंडिंग है, अब एक जो फ्लोर की हाइट रहती है वो रहती है 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस लैंडिंग को ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे वाई के डायरेक्शन में, 1 स्टेप 1.5 मीटर। लिंक नहीं करेंगे यहाँ से। ओके किया, तो आप चेक करते हो यहाँ से, ये पोर्शन हमारा बन गया। यहाँ से हम एड बीम करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, अगेन यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे आप, इस पोर्शन को आप टॉप पे पहुँचा देंगे वाई के डायरेक्शन में, 1 स्टेप 3 मीटर। लिंक नहीं करना है यहाँ पे भी। ओके, और यहाँ से आप ज्योमेट्री कंप्लीट कर दो एड बीम। ओके, तो यहाँ पे गाइस जो पुराने वाला स्केच है इसको सारे को कंट्रोल प्रेस करके डिलीट कर दो, कट। ओके, यस। तो इसके बाद आप चेक करोगे 3D में, अगर आप चेक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया स्टेयर्स का जो स्लैब के लिए पोर्शन है, बट यहाँ पे अभी हमारे पास बीम्स हैं। ओके, हम इस पर प्लेट अप्लाई करेंगे, जस्ट जनरेट सरफेस मेशिंग। मेशिंग यहाँ पे हम, ये होती है हमारी FEM के अकॉर्डिंग फाइन एलिमेंट मेथड। ओके, सॉरी, यहाँ से हमने क्वाड्रेटर करना है, क्वाड्रेटर। ओके, अप्लाई किया हमने इसको, तो यहाँ से हमारे पास जो लैंडिंग के लिए है तो ये वाला पोर्शन क्वाड्रेटर। ओके, अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई हो गया, आप टॉप व्यू से देख सकते हो। तो यहाँ से जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ये जो है, यहाँ से आप इसको भी कंप्लीट कर लोगे क्वाड्रेटर। ओके, अप्लाई किया आपने, तो यहाँ से आप चेक करते हो 3D रेंडरिंग व्यू, तो ये आपके पास स्लैब आ गई है स्टेयरकेस की। ओके, तो यहाँ से आप बीम कट कर दो, बीम यहाँ पे हम बीम नहीं होते हैं हमारे पास, यहाँ से हमने बीम्स कट कर दिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जनरल में सपोर्ट्स। सपोर्ट्स हमने क्रिएट की फिक्स्ड एट है ना, तो गाइस यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं सपोर्ट्स, कंट्रोल प्रेस करोगे आप एंड असाइंड सिलेक्टेड, यस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हम प्रोवाइड करेंगे थिकनेस। थिकनेस हमारे पास प्लेट की थिकनेस 1.2 कर दें, 1.2 एड क्लोज। तो यहाँ पे प्लेट थिकनेस हमारे पास साइन टू व्यू, यस। ओके, तो ये थिकनेस हमारी, सॉरी 0.2 करना था हमने, इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से 0.2 एंड चेंज क्लोज 0.12 या 0.2। ओके गाइज, यहाँ से आप चेक कर रहे हो तो ये हमारे पास 1.2 की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लोड एंड डेफिनेशंस। तो लोड एंड डेफिनेशंस में हम क्रिएट करते हैं 2 लोड केसेस। फर्स्ट वन इज डेड लोड। तो डेड लोड
टाइटल नेम एंड एंड सेकेंड वन इज लाइव लोड। तो लाइव लोड में आप टाइटल नेम दे रहे हैं यहाँ पे लाइव लोड, ओके ऐड करेंगे क्लोज। डेड लोड में हमारे पास आएगा सेल्फ वेट, तो यहाँ से हम सेल्फ वेट की वैल्यू रहती है हमारी 1.5 असाइन टू व्यू, यस। एंड जो हमारे पास लाइव लोड है, लाइव लोड में हम अप्लाई करेंगे प्लेट लोड प्रेशर ऑन फुल प्लेट। तो यहाँ पे गाइस हम 1 2 जो भी अपने अप्लाई करना है लोकल जेड से अप्लाई होगा, ऐड क्लोज असाइन टू व्यू। तो ये हमारा जो लोड है वो हमारा अप्लाई हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस एज पर इंडियन कोड जनरेट लोड, ऐड क्लोज एनालिसिस प्रिंट कर देंगे। एनालिसिस प्रिंट कमांड हमारी होती है रिजल्ट्स के लिए, जिसके रिजल्ट्स जो हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह असाइन किए होते हैं, लोड वगैरह असाइन किया होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पे हमारा एरर नहीं आना चाहिए, ओके। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, डन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी डिटेल आपके पास है, लोड केस 1 के अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग जो भी आपने लोड लगाए होंगे यहाँ पे प्लेट्स वगैरह, ओके। तो गाइज ये आप चेक करते हैं यहाँ पे एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना है, ओके। तो यहाँ से आप पोस्ट प्रोसेसिंग चेक करते हैं अप्लाई, ओके। तो यहाँ से हम प्लेट स्ट्रेस टाइप चेक करना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट कि सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पड़ रहा है। तो जो रेड कलर है वो मेंशन करता है सबसे ज़्यादा लोड। तो ये हमारा स्टेयरकेस डिज़ाइन हो गया, यहाँ पे आपके पास जो लोड सबसे ज़्यादा लोड रेड कलर में होता है तो कहाँ कहाँ है, ओके जॉइंट्स में। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी एक मेंबर क्लिक कर सकते हो 106, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास डिज़ाइन कंक्रीट डिज़ाइन कोड, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं IS 456। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे है FC और FY मेन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट। तो रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट की वैल्यूज हम यहाँ पे फिल करेंगे 25000 एंड FY मेन 415 415 एंड 000 ऐड कर लो साथ में, ओके। साथ में कमांड हम यहाँ से, अब हमारे पास बीम और कॉलम्स तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ स्लैब एलिमेंट है, तो ऐड एंड टेक ऑफ एंड क्लोज। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमें कंक्रीट चेक करना है वो साइन टू व्यू सभी का कैलकुलेट करना है, एंड स्टील भी हमारे पास साइन टू व्यू डिज़ाइन स्लैब एलिमेंट। तो हम एक ही मेंबर जो हमारे पास 106 है उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज आप साइन टू व्यू भी कर सकते हो, बट हम चेक कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा है हम उसी प्लेट को चेक करेंगे। तो हमने चेक किया था ये सारी प्लेट्स, ये वाली प्लेट्स, इन प्लेट्स पे और सेम प्रेशर पड़ रहा, तो हमने इनमें से कोई भी एक मेंबर ले लिया था, मैंने यहाँ से चेक किया था तो 106 था। तो मैं यहाँ से 106 की वैल्यू डाल रहा हूँ, आप चेक करोगे यहाँ से असाइन करूँगा तो ये देखो असाइन हो गया, तो ये वाला प्लेट का डिज़ाइन हो गया। एनालिसिस प्रिंट करके सेलेक्ट ऑल एंड क्लोज एंड एनालाइज रन सेव, तो ये हमारा स्लैब एलिमेंट डिज़ाइन हो गया। ओके व्यू आउटपुट डन। तो हम चेक करेंगे यहाँ से, ये हमारे पास कंक्रीट डिज़ाइन था जो मेंबर था, ओके। जो वैसे भी हम बात कर रहे हैं हम कैड से, सॉरी अपना जो स्टैट प्रो है, स्टैट प्रो हमारा बीम और कॉलम्स को एनालाइज करता है, ओके। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड वेट ऑफ स्टील, स्लैब को हमें मैनुअली भी डिज़ाइन करना पड़ता है, ओके। तो गाइस ये हमारी स्टेयरकेस पे जो वीडियो थी, ओके थैंक यू गाइस।